कोरोना महामारी के दूसरे दौर में जिस तरह से गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं और जिस तरह भारत समाचार अपनी मुहिम ऑपरेशन विलेज चला रहा है, उसका असर गांव में खास तौर पे देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं निंदूरा गांव में। ये हलधर मऊ का आखिरी गांव पड़ता है और हमने आपको 3 दिन पहले इस गांव की तस्वीर दिखाई थी कि पूरा का पूरा गांव जो है ये गंदगी के ढेर पर बसा हुआ है। इस गांव में टोटल 32 से ऊपर लोगों की मौत कोरोना महामारी के अलावा गंदगी की वजह से हुई है। लेकिन जब भारत समाचार ने अपने चैनल पर इस खबर को प्रमुखता से चलाया, उसके बाद अभी हालांकि प्रधानों की शपथ नहीं हुई है, प्रधानों ने चार्ज नहीं लिया है, लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं उन्होंने भारत समाचार की खबर का संज्ञान लेते हुए, साथ में जिला प्रशासन ने भी उनको जब टाइट किया, इसके बाद उन्होंने भी मिलकर के इस पूरे गांव में जो कायाकल्प योजना है स्वच्छता अभियान को लेकर के वो शुरू करा दिया है। आप देख सकते होंगे कि किस तरह यहां पे जेसीबी मशीन लगी हुई है। कल से लगातार भारत समाचार पर परसों इस खबर को चलाने के बाद कल से लगातार यहाँ पर गाँव में दिन रात करके यहाँ पर काम चालू किया गया है। 3-3 यहाँ पर पंपिंग सेट लगाए गए हैं जो यहाँ पर इस तालाब के पानी को निकाल रहे हैं, इसकी गंदगी को हटाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही है, फॉगिंग का भी काम किया जा रहा है गांव में। और लगातार जो लोग हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे इस साइड में कि जिस तरह से यहां पे लोग जो हैं ये सड़क की पटरी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और यहां पे लगातार जो है वो किसी न किसी तरह यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। हमारे साथ इस गाँव के प्रधान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत समाचार की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं रंग लाते हुए दिख रही है। इससे पहले भारत समाचार ने हलधर मऊ गाँव में मोहम्मदपुर गाँव में जो मौतें हुई थी उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया था और उसकी खबर दिखाई थी, जिसके बाद 30 बेड का L1 हॉस्पिटल हलधर मऊ में बनाया गया और अब ये निंदूरा गांव है जहां पे इस तरह की यहां पे जो सफाई व्यवस्था ये चल रही है। प्रधान जी ये बताइए, ये जो आपका गांव है ये पूरी तरीके से गंदगी के ढेर पर बसा हुआ है, 32 से ऊपर मौतें यहाँ हो चुकी हैं, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं, सबसे पहले मैं भारत समाचार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनके माध्यम से दिखाया गया और आज ये काम लगा हुआ उसी भारत समाचार की वजह से ये काम लगवाया गया है। नहीं तो ये ऐसे बदहाली 40 साल से पड़ा हुआ है ये सब गंदगी। आज मैं पहली बार प्रधान हुआ, इसको सफाई करवा पूरा एकदम इंशाल्लाह पूरी सफाई करवा दूंगा जी। आपने जैसे इनके सुना, साफ तौर पे प्रधान जी का कहना था कि 40 साल से यहाँ पे जो गंदगी का अंबार लगा हुआ था उसको यहाँ पे दुरुस्त कराने का काम किया गया। आप बताइए भाई साहब, ये गाँव कितना उपेक्षित था, कैसे था, यहाँ जो मौतें हो रही थी उसका जिम्मेदार कौन था? जी, ये गंदगी काफ़ी दिन से चली आ रही थी और सबसे पहले हम भारत समाचार का आभार जताते हैं कि अपनी जो चैनल के माध्यम से ये सब दिखाया और उसकी वजह से ये कार्य जो है हो रहा है। और 40 साल से कोई यानी काम नहीं हुआ, 40 साल समझ लो सारा गांव हमारा ऐसे ही चल रहा था अल्लाह के भरोसे। तो अभी जो प्रधान जी हुए हैं, अभी प्रधान जी समझ लो अपनी तरफ से पहले इन्होंने जो है कोई अभी बजट ना इनकी इनका सफल हुआ है और ना अभी बजट पास आया है, अपनी तरफ से सारा काम करा रहे हैं। पर जैसा कि आप देख सकते होंगे साफ तौर पे कि जिस तरह भारत समाचार गांव-गांव जा करके गांव की ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत दिखा रहा है और उस हकीकत में इस गांव की जो हकीकत ये थी कि ये शायद पूरे ज़िले का एकमात्र ऐसा गांव था जो सबसे गंदा था। ये बताइए भाई साहब, इस गांव में जो काम चालू हुआ है, इससे क्या लगता है आपको कि कितनी राहत मिलेगी? जी, मुझे लगता है कि इससे 100% राहत मिलेगी। और सबसे पहले मैं भारत समाचार और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोग ग्राउंड जीरो पे उतर के इस तरह रिपोर्टिंग करते हैं जिससे यह संभव हो सका, वरना आज तक कोई अधिकारी इस गांव की तरफ देखने भी नहीं आया। और ये कम से कम 40 साल से ये घूर जो है कूड़ा सड़कों पर ही इसी तरह लगा रहता था, कोई आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये सफाई का काम हो रहा है। और हम आप लोगों से एक और अपील करना चाहते हैं सर, गाँव के अंदर भी तालाब है जिसपे अतिक्रमण है और उसमें भी आप लोग ये थे दरअसल गांव के लोग जिनका साफ तौर पे कहना था। यहां पे हालांकि जो जिला प्रशासन है उसकी भी टीम यहां पे आई हुई है और लगातार यहां के कामों को देख रही है, क्योंकि यहां पे ये बड़े स्तर पे काम हो रहा है और एक बड़े स्तर पे जो यहां पे गंदगी थी उसका यहां पे सफाया किया जा रहा है। और ये खास तौर पर संभव हो सका है सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार के चलते, जिसकी वजह से आज यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रधान जी की जब शपथ हो जाएगी और इसके बाद जब इनको चार्ज मिल जाएगा तो ये गाँव को वो स्वच्छ बनाने में अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राजेश तिवारी, भारत समाचार।